दोस्तों हम बात करेंगे आज सिलेंडर हेड गैस्केट के बारे में। हेड गैस्केट जो होता है वो सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच में इस्तेमाल किया जाता है या लगाया जाता है, यहीं पे जहाँ पे सफाई होते हुए आप देख सकते हैं इसको। तो थोड़ा इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसका कार्य पहले जानते हैं कि ये वर्किंग क्या होता है इसका। इसका तो जो काम होता है वो मुख्यतः जो गैस होता है, पानी होता है और आयल होता है, उसको कंट्रोल करके रखना, मतलब उसको रोकना। ये दो तरीके से होते हैं। पहला तो होता है लोहे का बना हुआ और दूसरा होता है तांबे का बना हुआ। जो लोहे का बना हुआ होता है वो दो लोहे के टुकड़ों के बीच में एजवेस्टस लगा होता है एक, उसके द्वारा बनाया गया होता है और इसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो हम गैस्केट को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर इमरजेंसी में आप तांबे के जो बने होते हैं हेड गैस्केट उनको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये तांबे के जो हेड गैस्केट होते हैं, दूसरी बात करेंगे, ये अच्छी क्वालिटी का बना होता है और इसमें दो तांबे की पतली चादरों के बीच में एजवेस्टस लगाया जाता है। एजवेस्टस बताते हैं आपको, एजवेस्टस एक न जलने वाला एक पदार्थ है जो कि पहाड़ों से मिलता है, वहीं से निकलता है ये, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और ये इस्तेमाल किया जाता है क्लच वगैरह में भी। तो इसका इस्तेमाल हमने जाना कि ये किस टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये लीकेज क्यों होता है। दोस्तों हेड गैस्केट लीक होने के कारण को जानेंगे और पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैक्टर है या डीजल इंजन है, कुछ भी है, और उसमें पानी की खपत ज़्यादा हो रही है, पानी ज़्यादा उसमें लग रहा है, और रेडिएटर जब कैप खोलते हैं तो उसमें बुलबुले वो निकलते दिखाई दे रहे हैं, उबल रहा है पानी, तो समझ लीजिए हेड गैस्केट कहीं से लीक हो गया है। और कई बार दोस्तों रेडिएटर में आयल आ जाता है और जो क्रैंक केस होता है उसमें पानी चला जाता है, तब भी गैस्केट का कारण बन जाता है। अभी हम बात करेंगे अगर ज़्यादा लीक कर रहा है तो इंजन गर्म होगा और मिसिंग भी करेगा। बात करते हैं कि हेड गैस्केट लीक क्यों होता है, उसके कारण क्या होते हैं। पहली बात तो सही से साफ़ सफाई ना करना, इसमें कार्बन जब भी हम खोलते हैं तो साफ़ सफाई अगर नहीं करते हैं तो भी लीक कर जाता है। नट बोल्ट्स बराबर टाइट नहीं करने पे भी ये लीक कर देगा। अगली बात करेंगे तो जो ब्लॉक का सतह होता है हेड का, वो ऊंचा नीचा अगर होगा तो भी लीकेज का चांसेस बन जाता है। जो लाइनर होता है अगर ब्लॉक की सतह से ऊपर उठा हुआ नहीं होगा तो भी लीकेज का चांस बन जाता है। ये है नई गैस्केट, इसमें आप पार्ट नंबर इसका देख सकते हैं। ये है महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 4 सिलेंडर इंजन का है, आप देख 1515 रुपये का है समथिंग। तो आप, हो सकता है आपके जगह पे ये रेट चेंज भी हो सकता है, पार्ट नंबर आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हेड गैस्केट लीकेज होने का चांस बनता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।